हे गुरु लोग, तो आप देख रहे हैं बंटी सेज यूट्यूब चैनल और आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि मेरा प्यारा थॉर बन चुका है एक बार हेल का किंग। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थॉर एक बार सचमुच हेल का किंग बनता है। तो बिना सब्सक्राइब की भीख मांगे चलो शुरू करते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि अरे भाई ऐसा नहीं होता है, थॉर किंग ऑफ एसगार्ड बनता है ना कि किंग ऑफ हेल। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा है, किंग ऑफ हेल बनता है अपना थॉर। कॉमिक्स में एक बार जब लोकी और थॉर दोनों निफलहेम जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर थॉर के सारे मरे हुए भाई बहन जिंदा हैं, यानी कि अपना बाल्डर द ब्रेव, थोरी और हेला भी। और हेला उस टाइम पर निफलहेम की क्वीन होती है। और उसके बाद सिंडर वहां पर आ जाती है हेला से लड़ने और निफलहेम की राजगद्दी को छीनने। तब अपना थॉर हेला से लड़कर उसका क्राउन छीन लेता है और उसका क्राउन पहनकर खुद बन जाता है किंग ऑफ हेल। और सिंडर से कहता है अगर तुम्हें निफलहेम का क्राउन चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा किंग ऑफ हेल थॉर से। और अपना किंग ऑफ हेल थॉर सिंडर को 2 मिनट में हरा देता है और उसके बाद हेल का क्राउन हेला को वापस कर देता है और बाल्डर और हेला की शादी करा देता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो शादी कभी हो नहीं पाती क्योंकि वहाँ थैनोस आ जाता है जो कि अपनी हेला का लवर था। तो ऐसी ही खतरनाक जानकारी के लिए देखते रहिए बंटी सेज। और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।